न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। न्यूज धमाका में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मुख्य से और जानना चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया कब वो शुरू कर रहे हैं। सीजीपी का बहुत जल्दी जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद का चुनाव जो है हम लोग कराने की तैयारी में हैं। बस इंतजार है, तीन गुरुद्वारा साहब का जहां चुनाव नहीं हुआ है उसकी चुनाव की प्रक्रिया आरंभ है और जल्दी वहां भी चुनाव हो जाएंगे। इसके बाद सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव कराया जाएगा। तीन में कौन कौन गुरुद्वारे हैं? सीताराम डेरा बस नंबर बस्ती तीन प्लेट टोला डिग्री, बिष्टुपुर सुनारी में चुनाव हो चुका है और उन्हें सीजीपीसी की तरफ से मान्यता भी दी जा चुकी है। अब सिर्फ तीन गुरुद्वारों के चुनाव का प्रक्रिया कब से शुरू होगी चुनाव की? निश्चित रूप से ये तीन गुरुद्वारों के चुनाव के बाद हम समझते हैं सितंबर माह में चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी। चुनाव में कोई अड़चन? कोई अड़चन नहीं है। हमारा जो संविधान है सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, हम उस संविधान के अनुसार चुनाव कराएंगे, इसमें कोई अड़चन नहीं है। ये पटना साहब का जो आदेश आया है, पांच लोगों को मैंने प्रतिनियुक्त किया गया है, इसके बारे में क्या बोलना है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बड़ी साफ शब्दों में कह दूँ कि हमारे पांच तख्त हैं और पांच तख्त में से कोई भी जथेदार साहब, सिंह साहब अगर कोई फरमान जारी करते हैं, कोई हुक्मनामा जारी करते हैं, तो उसमें पंज प्यारों के साथ बैठकर विचार विमर्श करके उसके बाद हुक्मनामा जारी करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से सिंह साहब यानी रंजीत सिंह हुक्मनामा जारी कर रहे हैं और अपने उनका इकलौता साइन है, तो गुरमुख सिंह मुखे का अकेले का कोई वैल्यू नहीं। गुरमुख सिंह मुखे अगर सिंगल पर्सन है तो वो जीरो है और अगर गुरमुख सिंह मुखे के साथ में कमेटियां और सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, तो वो एक सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन जाती है। इसलिए जथेदार साहब अगर कोई भी फरमान जारी करें तो उनमें पंज प्यारों का जो विचार विमर्श करके जो पत्र जारी होगा उसमें सबका हस्ताक्षर, सभी का हस्ताक्षर होगा, उसके बाद ही जारी होगा। और ये जो पत्र जारी हुआ है ये कहीं ना कहीं दबाव में और स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं ये लोग और ऐसे पत्र जारी करवा रहे हैं। की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये पांच सदस्यीय कमेटी जो बनाए हैं जथेदार साहब तथाकथित पांच सदस्यीय संचालन समिति बनाए हैं, उनमें चाहे आप सरदार शैलेंद्र सिंह को ले लें, चाहे सरदार भगवान सिंह को ले लें, चाहे हरविंदर सिंह मंटू को ले लें, चाहे आप सुरजीत सिंह खुशीपुर को ले लें, चाहे आप सत्येंद्र सिंह रोमी को ले लें, आप इन पांचों में या हमारे विरोधी जो हैं उनमें दम नहीं है कि वो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संविधान के अनुसार चुनाव करने में या कराने में या चुनाव लड़ने में मेरे सामने खड़े हो सकें और चुनाव लड़ सकें। मतदान के साथ वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि इसी तरह के पत्र को जारी करवाएं और हम उसमें हावी हो जाएं। अब उनका पत्र क्या मानना जो अभी खुद संदेह के घेरे में घिरे हुए हैं। कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जथेदार साहब के ऊपर में कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे अभी हाल में ही जारी हुए पटना साहब में जथेदार साहब के ऊपर में वो डॉक्टर गुरविंदर सिंह सामरा जो करतारपुर के निवासी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जथेदार साहब हमारे पास आए और वहाँ कुछ सामान भेंट करने के लिए पटना साहब में उसके लिए बातचीत की है और उन्होंने कहा कि उक्त सामान को मैं ही तैयार करवा लूँगा और उसकी राशि भी प्राप्त कर ली, लेकिन आज तक उनको रसीद नहीं दिए और उसका कोई भी जानकारी नहीं दिए कि क्या लगा और कितना लगा। सामान क्या था और राशि कितनी थी? उनके जो हमें वीडियो प्राप्त हुआ है, जो सूचना मिली है, उन्होंने पंजाब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके अनुसार तो करीब 5-5.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कौन? सिंह साहब यानी रंजीत सिंह। क्या मैंने घोटाला में क्या क्लियर है? ये क्लियर है कि जो तख्त साहब में
सोने का पलंग, हीरा जड़ित श्री साहब और हीरा जड़ित जो हार है, चांदी का सोने का हार है, उसमें कई तरह की जो त्रुटियां पाई गई। जांच के दौरान इन्होंने अपने से तख्त साहब में अनाउंस किया था कि सवा शेर की तलवार श्री साहब भेंट की, सोने का पलंग भेंट किया और कलगी भेंट की। और जब उसी गुणवत्ता की जांच हुई और इन्होंने लॉन्च किया कि कितना कितना सोना है और कितना कितना हीरा है, और जब जांच हुई तो मतलब 5-7 करोड़ की जो चीज़ है वो 5-7 लाख में सिमट गई। ये तो बहुत गंभीर है। इसकी मार्केटिंग कहाँ हुई थी? ये जथेदार सिंह साहब यानी रंजीत सिंह ने, जैसे डॉक्टर गुरविंदर सिंह सामरा ने बताया कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ आप भेंट कर दीजिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं, ये आप ही तैयार करवा लीजिए, जो राशि है मैं देने को तैयार हूँ। तो इन्होंने किया। जहाँ से खरीदारी हुई थी जी, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? वो तो डॉक्टर गुरविंदर सिंह सामरा का मामला है, वो देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ है, ये हमारे पास पहुँच चुका है और इसको हम बहुत बढ़िया से सुने भी, अगर कहेंगे तो आपको भी दे दें। इसके अलावा और कुछ बोलना है? बिल्कुल, चुनाव जो है हम लोग अपना इसे करेंगे। बाकी रही बात सरदार शैलेंद्र सिंह, तो मैं उनके चरित्र के बारे में बता दूं कि सरदार शैलेंद्र सिंह का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने डसा नहीं। पिछले आप देख लीजिए, पहले हमारे साथ थे, फिर टूट के इंद्रजीत सिंह के साथ गए, फिर टूट के हमारे साथ आए, फिर इंद्रजीत सिंह के साथ गए। इनको जहाँ इनकी रोटी सेकने का मौका मिलता है सेकते हैं, जहाँ इनको फायदा होगा, जहाँ से इनको धन अर्जित करने का मौका मिलेगा वहाँ ये सटते हैं। आप देख लीजिए कि जो पटना शहर का चुनाव लड़े थे, इंद्रजीत के विरुद्ध लड़े थे, आज वहाँ भी उनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए वहाँ पर उनकी गोद में जाकर बैठे। जब आपके साथ है तो अच्छे थे। देखिए, अच्छे और बुरे की बात नहीं है, जब आदमी की पहचान होती है तब आदमी बोलता है, ठीक है। उनकी एक नीति तो बहुत गंदी और गलत नीति है कि केवल एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर अपने स्वार्थ की राजनीति रोटी से, ये उनकी बहुत। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा दावा है कि पूरे जमशेदपुर शहर में अगर जात पात की राजनीति आज के परिवेश में हो रही है, आज की जो समय है उसमें हो रही है, तो उसमें एकमात्र व्यक्ति है वो सरदार शैलेंद्र सिंह है। वो पूरे जमशेदपुर में सभी लोगों को भड़काता है और जात पात की राजनीति करता है। कहीं जाता है तो जाट के विरोध में बोलता है, और दूसरी जगह जाता है तो जाट के समर्थन में बोलता है, जब रंगरेटा समाज के बीच में जाता है तो उनके समर्थन में बोलता है, और वहाँ से हटकर जब दूसरे रंगड़िया समाज में जाता है तो उनके विरुद्ध में बोलता है। बस यही काम उनका है और कुछ नहीं है। कर सकते अगले चुनाव में गुरमुख से मुख्य भी उम्मीदवार होंगे क्या सीजीपी के? बिल्कुल, अभी तक तो मैं आपको ये श्योर कर रहा हूँ कि जो हमारा संविधान है और हमारा संविधान हमें चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, दूसरा टर्म हम चुनाव लड़ सकते हैं और निश्चित रूप से चुनाव लड़ें। तो क्या भगवान सिंह से कैसा रहेगा आपका? वो देखिए, भगवान सिंह लड़ें चाहे शैलेंद्र सिंह लड़ें चाहे कोई सिंह लड़ें, मुझे